नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ईशांक एजुकेशन में। साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि 18/9/2024 से प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 3 से 8 तक का अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए प्रश्न पत्र सभी विद्यालयों को प्राप्त हो चुका है, परंतु दिनांक 26/9/2024 को वर्ग 1 एवं 2 का मूल्यांकन मौखिक किया जाना है, जिसके लिए प्रश्न पत्र उसी दिन परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पहले ई शिक्षा कोष के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए विभाग द्वारा पत्र भी जारी किया जा चुका है। ये यही पत्र है और आप देख सकते हैं कि ये पत्र जारी किया गया है। जिन शिक्षकों को ई शिक्षा कोष के माध्यम से प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में समस्या होगी, उनके लिए विभाग द्वारा डेमो प्रश्न पत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। आइए देखते हैं ये प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करेंगे। सेम इसी विधि से परीक्षा वाले दिन भी प्रश्न पत्र डाउनलोड करना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और उसमें टाइप करेंगे ई शिक्षा कोर्स। जो टाइप करेंगे, ई शिक्षा कोर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको सबसे ऊपर में ही दिख जाएगा, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, अपने स्कूल वाले आईडी से यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर स्कूल सेलेक्ट करना है। स्कूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर स्कूल का डैश कोड डालना है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है और ये जो मैथ का प्रॉब्लम यहाँ पर डाला हुआ है इनको यहाँ पर सॉल्व करके डाल देना है और फिर यहाँ पर साइन इन वाला बटन जो है उस पर क्लिक करके साइन इन कर लेना है। चलिए हम अपनी स्कूल आईडी से यहाँ पर लॉगिन होते हैं, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया को देखते हैं। यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन आपको उस ऊपर में ही दिख जाएगा, जिसमें कि एक ऑप्शन आपको यहाँ पर स्कूल का दिखेगा। इस स्कूल डैशबोर्ड पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक 3 लाइन आपको दिखेगा। 3 लाइन पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको खुल के आ जाएगा। नीचे जाएंगे यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे में एग्जाम क्वेश्चन अपलोड करके एक ऑप्शन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर से क्या करना है कि इस 3 लाइन पे टच करके इसको बंद कर देना है। ऑप्शन को बंद हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऑप्शन आपको फिल करने पड़ेंगे, जैसे कि मूल्यांकन का प्रकार है तो इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर एनुअल है, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वर्क है तो उस पर सेलेक्ट करने के लिए 1 और 2 है तो यहाँ पर 1 क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद विषय का नाम है तो विषय का नाम में देखेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, उर्दू है तो आपको जिस विषय का यहाँ पर क्वेश्चन डाउनलोड करनी है वो आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम मैथमेटिक्स क्लिक करते हैं। इसके बाद सेट का नाम है तो सेट का नाम यहाँ पर सेट A, B, C यहाँ पर जो भी आपको सेट डाउनलोड करना है वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम सेट A सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद फिर सर्च वाला बटन क्लिक कर देते हैं। जो ही सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे में यहाँ पर हाफ ईयरली करके एक क्रम संख्या बना हुआ है जिसमें हाफ ईयरली है, मूल्यांकन का प्रकार, इसके बाद वर्ग 1 है, हिंदी है, सेट A है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। इसको क्या करना है, डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम डाउनलोड करते हैं, फिर यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड हो जाएगा तो आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन है PDF देखने के लिए उसके माध्यम से आप उस क्वेश्चन को यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।